बजरंग दल ने सांड को पत्थर की गहरी खाई से बाहर निकाला। 6 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चला। नमस्कार, मैं हूं विजय और आप देखना शुरू कर चुके हैं द खबरदार न्यूज। विदिशा के पठारी में बजरंग दल को जैसे ही सूचना मिली कि एक सांड रात 12 बजे से पत्थर की गहरी खाई में फंसा हुआ है, बजरंग दल के कार्यकर्ता सुबह 6 बजे मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचकर देखा कि सांड की सिर्फ पीठ दिख रही थी, चारों पैर और पेट खाई में बुरी तरह से फंसे हुए थे। पहले आसपास के मलबे को हटाया गया, फिर ब्लास्टिंग मशीन की सहायता से उस पत्थर को काटा गया। लगभग 3 फीट पत्थर को काटने के बाद भारी मेहनत और मशक्कत करने के बाद सांड को खाई से बाहर निकाला गया। इसके बाद सांड का उपचार करके उसे स्थानीय गोपाल गौशाला में पहुंचाया गया। इस दौरान विहिप जिला सहमंत्री डॉक्टर सरित श्रीवास्तव, राहुल सिंघई अपनी समस्त टीम के साथ हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। मौके पर थाना प्रभारी दीपक राठौर, आरक्षक दिलीप धाकड़ भी उपस्थित रहे। इससे ज्यादा की जानकारी के लिए आइए देखते हैं विदिशा पठारी से आशीष सहेले की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। आज रात 11:30 बजे जैसे ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को सूचना मिली कि एक सांड एक गहरी खाई फंस गया था, सुबह 6 बजे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ हिंदू समाज के लोग एकत्रित हुए और पहले पत्थर की उस खाई में ब्लास्टिंग मशीन से पत्थर उखाड़ा गया। इसके बाद उस सांड को बाहर निकाला गया। इस बिंदु पर बजरंग दल का यही काम है। बहुत सेवा निकल यार, निकल यार, निकल यार, निकल यार। रुक के रस्सी खींच लो, गौशाला दिखावे बनी है।